वेलकम टू माय चैनल कबूतर जिंदजहान में आपका स्वागत है। अल्लाह के रहम करम से और आपकी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में इमरान। दोस्तों सवाल जवाब, परसों संडे के दिन जैसे हमने लाइव में कहा था कि आपको जोड़ा मलवई का जोड़ा गिफ्ट करेंगे, तो आज शुक्रवार के दिन हम गए थे। जैसे हमने लाइव में कहा था कि भाई आज वीरवार है, कल देखता हूँ मैं जाता हूँ मिलते हैं कैसे ले आता हूँ, तो आज हम गए थे और छतरी वाले हैं गांव से मिले, ये गांव के कबूतर हैं छतरी वाले, बहुत ही अच्छे कबूतर हैं। रात का टाइम है, मैंने सोचा भी क्या है कबूतर का शौक कराना, कल एक छोटी सी वीडियो अलग से फिर डाल देंगे हम, ठीक है ना। तो जोड़ा हम ला चुके हैं दोस्तों, ठीक है, तो आप अपनी तैयारी कीजिए। और इस वीडियो में हम ये बता देते हैं कि सवाल होगा किस चीज पे, बीमारी के ऊपर, कबूतर की बीमारी के ऊपर सवाल किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। जो सवाल का जवाब सही देगा टॉप हाई क्वालिटी का जोड़ा है दोस्तों, जो भी सही जवाब देगा उसको जोड़ा ये मुफ्त दे दिया जाएगा, ठीक है जी। तो आप ध्यान दीजिए वीडियो के ऊपर, सवाल के ऊपर कि क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और इस वीडियो में एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, देखो इस वीडियो को आप जिसे भी जानते हो कबूतरबाज को वहां शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुपों में वहां शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि हमारे जो आम पब्लिक है, बड़े उस्तादों के पास, अच्छे खिलाड़ियों के पास, चतुर चलाकों के पास तो पहले से ही अच्छे कबूतर है ना, मगर एक आम पब्लिक भी है जो चाहत रखती है यार हमारे पास भी एक अच्छा जोड़ा आ जाए, पैसे नहीं, हम पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो वो सवाल का जवाब दे सकते हैं और जोड़ा फ्री में जीत सकते हैं, है ना। तो जो भी भाई सवाल का जवाब सही देगा दोस्तों उसको जोड़ा ये मुफ्त दिया जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को आप जितने भी आपके यार दोस्त हैं सबके पास इसको सेंड करें, शेयर करें, ठीक है जी। और उनसे कहें आने वाले दिन, ये जो आ रहा है संडे अभी परसों को, कल एक वीडियो फिर शो करेंगे हम, कबूतर दिखाएंगे कौन से देने हैं, ठीक है ना। संडे के दिन रात को 10 बजे के बाद हम लाइव आ जाएंगे, ठीक है, 10 बजे के बाद लाइव आएंगे, उसके बाद सवाल जवाब करेंगे। जैसे ही अपना पब्लिक हमारे साथ कुछ लिमिट में जुड़ जाएगी, ठीक है जी, फिर अपना सवाल किया जाएगा बीमारी के ऊपर कि कबूतर की इस बीमारी में हमें क्या देना चाहिए कि वो ठीक हो जाए, ऐसा कुछ भी हम सवाल पूछ सकते हैं। तो आप जो है कबूतर की बीमारियों के ऊपर जो है सर्च करें, वीडियो देखें और ध्यान रखें जवाब उसी का मान्य होगा जो हमारे चैनल की वीडियो में इलाज का तरीका बताया गया है और उसमें जो चीज बताई गई है, अगर आप वही जवाब दोगे तो ही आपका जवाब सही माना जाएगा। ये नहीं कि सवाल हम कर रहे हो और आप किसी भी चैनल की मेडिसिन बता रहे हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए आप इस चीज का कि हमने जवाब क्या देना है, ठीक है ना। तो वीडियो में जाइए, देखिए कि हम आपको क्या बता रहे हैं, इलाज क्या समझा रहे हैं, बीमारी क्या है, इलाज करना कैसे है। जो सही बता देगा भाई वो जोड़े का मालिक हो जाएगा, फ्री जोड़ा दिया जाएगा। और इंशाल्लाह दोस्तों हमारी नियत ऐसी हो रही है, मन की चाहत ऐसी हो रही है कि हम हर संडे को आपको एक जोड़ा गिफ्ट करें। और इसी वीडियो में हम आपको खुशखबरी दे दें कि हमने अगर नेक्स्ट संडे का जोड़ा भी अभी ले आए, हम 2 जोड़े इकट्ठे ले आए, ठीक है ना। तो आप तैयारी कीजिए कि इस बार इमरान भाई बीमारी के बारे में पूछ रहे हैं और अगली बार हो सके हम कबूतर की पहचान के ऊपर पूछ लें, जोड़ा लगाने के ऊपर पूछ लें, वो वीडियो तभी डालेंगे हम कि हमने पूछना क्या है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए अब, ठीक है, ध्यान दीजिए अब बीमारी के ऊपर, क्योंकि कबूतर की जान बचनी बहुत जरूरी है। नस्ल बड़ी मुश्किल से मिलती है, अच्छा कबूतर बड़ी मुश्किल से मिलता है, बीमारी में आके मर गया कहानी खत्म। तो हमारे हर शौकीन बाज को, क्या वो गरीब हो अमीर हो कोई भी हो, अगर शौक कर रहा है तो उसको सबसे पहले कबूतर की बीमारी का इलाज करना आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कबूतर की बीमारी क्या है और हमने देना क्या है। पहले की तरह नहीं, अच्छा ये हो रहा है टेरामाइसिन दे दो, अच्छा जी आंख आ रही टेरामाइसिन दे दो, अच्छा जी पैरों में गांठ होगी टेरामाइसिन दे दो, पतली बीट कर रहा है टेरामाइसिन दे दो, अच्छा सूखे मारा टेरामाइसिन दे दो, हर चीज में टेरामाइसिन घुसेड़ लगती थी, ठीक है ना। तो वो काम नहीं करना, बीमारी के मुताबिक उसको दवाई देनी है आपने। तो प्लीज वीडियो वही मानी जाएगी, सॉरी जवाब वही माना जाएगा जो इलाज हमने बता रखा है,
तो आप हमारे चैनल पे जाएं, जाके देखें उन वीडियो को कि कबूतर की ये बीमारी में क्या दिया जा रहा है और इस बीमारी में क्या बताया है और इस बीमारी में क्या बताया है। और ये काम दोस्तों हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये बातें, ये इलाज याद हो जाए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपके कबूतर में कोई दिक्कत आ रही, तो आप उसका आसानी से इलाज कर सकें। क्योंकि अगर आपको ये इलाज याद होंगे तभी आप अपने कबूतर को ठीक कर सकेंगे, नहीं तो आपका कबूतर जाया हो जाएगा। और अगर आपको इलाज सही करके आने आ गए, आप कबूतर सही कर लेते हो, तो इंशाल्लाह आप अपने अड़ोस पड़ोस की, अपने मिलने वालों की भी मदद करोगे ताकि उनके भी कबूतर की जान बचे। ये एक नेक काम हो जाएगा जो आपके जो अमालों में लिखा जाएगा, नेक अमाल, नेकी लिखी जाएगी कि इस बंदे ने एक अच्छा काम करा, तो ये अच्छे फरिश्ते आपकी वो नेकी बढ़ा देंगे कि इसने एक की जान बचाई, एक की मदद की है, ठीक है ना। तो अगर आप शौक कर रहे हो दोस्तों, तो आपको इलाज आना जरूरी है ताकि आप कबूतरों की जान बचा सकें। ऐसे ना करें जैसे और कबूतरबाज करते हैं, वो वीडियो भी इसी वीडियो के बाद बना के डालता हूं मैं, कि अगर इलाज नहीं आता तो ठा के कबूतर जो है खेतों में फेंक के आ गए। एक है मुल्ला जी दिमाग के अड़े हुए, अगर कबूतर ठीक हो रहा है ठीक, नहीं तो बोरी में भरे और जाके जंगल में फेंक के आ गए। और एक ही लड़का हो रहा है बावला, इसकी वीडियो में अभी शो करता हूँ, ठीक है, इसके कबूतर बेकार हो गए तो ये ठाके पार्क में फेंक के आ गया। जिनको जो है हमारे फॉलोवर शाहनवाज भाई उठा के लेकर के आए, नहीं शाहनवाज कह रहा हूँ सॉरी साकिब चौधरी भाई, साकिब चौधरी भाई उन कबूतर को पार्क में से उठा के लाए और उनका ट्रीटमेंट किया, वो वीडियो मैं इस वीडियो के बाद शो करता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो ये वही कमी हुई उन लोगों के अंदर कि इलाज का पता नहीं, क्या करें, लकवे वाले भी फेंक दिए, सूखे वाले भी फेंक दिए। जबकि हमने इलाज इतना अच्छा बता रखा है, सूखे का आराम से दो ठीक, लकवे का भी बता रखी गोली की लगातार ये गोली दे दो कबूतर ठीक, और हमने नहीं कई सारे चैनल वालों ने भी बता रखी है कि ये गोली दे दो तो ठीक है ना, वो फिर भी अपना कबूतर को भरा उसने ठाया और जाके वहां फेंक के आ गया। ऐसे हमारे मिलने वाले मुल्ला जी भी ऐसे करते हैं, आठ आठ दस दस कबूतर अगर ठीक हो रहे तो ठीक, नहीं तो वो कैलकुलेट करते हैं, बहुत पैसे लग रहे हैं यार, ये तो बहुत ज्यादा इलाज लग रहा है यार, एक कबूतर के ऊपर 300-400 रुपया खर्चा आ रहा है, इतना का तो नया कबूतर आ जाएगा, बोरे में भरो और फेंक दो। ये उन्हीं के मुंह का कहना था, बोरे में भरो और फेंक दो यार, ला भी ला बोरा ला, बोरे में डाले कबूतर चलो भाई खेतों में गए और ये घुमा के बोरी फेंक के मारी, अरे भाई ये क्या, अरे कुत्ते उत्तों का भी पेट भर जाएगा वो भी दुआ देंगे, बताओ यार, अरे गिद्दड़ भेड़िए जो होते हैं ना जंगल में वो खा जाएंगे, वो भी हमें दुआ देंगे। भैया इतनी अगर दुआ चाहिए, तुम्हारे घर के बच्चे भी हैं, आप उन्हें भी फेंक दो तो शायद ज्यादा दुआ मिलेंगे, है ना, खाना अच्छा हो जाएगा, अपने बच्चों को फेंक दो वहां, उनका उनसे भी पेट भर लेंगे गिद्दड़ भेड़िए, तो वो और ज्यादा दुआ देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, बहुत गलत काम है ये, ठीक है। अगर आप शौक कर रहे हो उनका इलाज करो, उन्हें दाना दो, इलाज करो, अगर उनकी मौत लिखी वो मर जाएंगे, अगर बचना लिखा होगा वो बचेंगे, गलत तो नहीं कह रहा मैं, ये नहीं इतने का कबूतर ना जितने की दवाइयां लग रही है यार, इन्हीं में लगे रहेंगे हम, इन्हीं का इलाज करते रहेंगे, तो बेकार काम है यार, फेंको इन्हें, ठाके अड़ो प्लाट में फेंक देते हैं, जंगल में फेंक आते हैं, बहुत गलत सोच है ऐसे लोगों की। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से उनका शौक ही खत्म करवा दे तो बेहतर है। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ऐसे बंदों का शौक ही खत्म करा दे जो बंदे ये हरकत करते हैं कि कबूतरों को ठाया भरा बोरे में और जंगल में फेंक दिया, खेतों में फेंक दिया, पार्क में फेंक आए, तो अल्लाह ताला बेहतर है ऐसे बंदों से मुर्गी पलवा दे या बकरी पलवा दे, कबूतर ना पलवाए, क्योंकि उनकी औकात नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है कबूतर का इलाज करने की, ठीक है ना। बचत ज्यादा निकालते हैं, मार्जिन ज्यादा देखते हैं वे, तो वो फेंक देते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे फॉलोवरों की या कबूतरबाजों की सोच ऐसी हो कि वो कबूतरों को फेंके, नहीं, इलाज करना है, ठीक है ना। तो ये मिशन दोस्तों हम 8 साल से लेके चल रहे हैं कि घर घर नस्ल, घर घर बीमारी दूर, और उसमें हमने कितने पैतरे, कितने तरीके आपके मशवरे लिए, ठीक है, पता नहीं अभी आगे और क्या क्या होगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि शौक अच्छा हो तो दोस्तों यार हमारी बातों को फॉलो करें, ठीक है ना। लाइव वीडियो देखें आप हमारी, दो दो तीन तीन घंटे की, उसमें हंसी मजाक भी चल रहा है, बातें भी चल रही हैं, लोगों को डांटना भी चल रहा है, लोगों को हम डांट भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, लोग बाग होशियार भी हो रहे हैं, नस्ल भी बना रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। बातें तो बहुत है यार, होती रहेंगी, ठीक है ना। तो आप संडे के लिए तैयार हो जाए, सवाल बीमारी के ऊपर किया जाएगा, ठीक है ना। और ये उल्टी हरकतें छोड़ दें दोस्तों, ठीक है ना। आप देखें, इलाज करना सीखें, नहीं तो आप भी इन बेवकूफ लोगों की तरह हो जाएंगे जो बोरी में भर के कबूतर प्लाटों में, पार्क में फेंकते हैं ना, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है जो आपके सिर पे चढ़ेगा, ठीक है ना। ये गलत काम आपने बिल्कुल नहीं करने, ये बहुत गलत काम है,
लंबी हो जाएगी वीडियो, ये भी बद्दुआ देते हैं कि हमारे साथ गलत कर दिया, हमें ऐसे फेंक दिया, जब तक हम सही थे तो हमें दाना डाल रहा था, हम बीमार हो गए हमें यहाँ फेंक दिया, तो वो बद्दुआ भी इंसान को लगती है, उनके बच्चों को लग जाती है, बहुत बातें हैं, बहुत लंबी वीडियो खींच जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो इन बातों को खत्म करते हैं। कहने का मतलब ये है, हम आपको चाहते हैं कि आप कबूतरों का इलाज करने वाले बन जाएं, सेवा करने वाले बन जाएं। ठीक है ना, तो आपसे लास्ट में फिर यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप व्हाट्सअप हर ग्रुप में शेयर कर दें, फेसबुक पे भी शेयर करें इसको, और अपने जितने भी मिलने वाले यार दोस्त हैं उनको भी भेजें और उनको बताएं कि आने वाले संडे को, ये शायद 30 तारीख का संडे होगा, रात को 10 बजे के बाद इमरान भाई लाइव आने वाले हैं और जोड़ा फ्री देने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, जाके वीडियो देखें और सीखें इलाज कैसे करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।